press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। वहीं भाजपा में संगठन और सरकार में जल्द ही कई बदलाव नजर आ सकते हैं। विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिछड़ गई थी। अब संभावना है कि विधानसभा के मौजूदा सत्र और 8 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के झुंझुनू दौरे के बाद कई परिवर्तन सामने आ सकते हैं। कुछ मंत्रियों को संगठन के काम में लगाया जा सकता है, जिनमें अलवर से लोकसभा चुनाव हारे श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्हें मंत्री बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन पार्टी किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहती। उधर कुछ नए विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं भाजपा संगठन में शीर्ष स्तर पर बदलाव की चर्चा लगातार बनी हुई है। ज्ञानदेव आहूजा जैसे मुखर भाजपा विधायक तो कई बार यह मांग उठा चुके हैं। साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में कई विधायकों के टिकट पर भी गाज गिरना तय है। वहीं विधानसभा सत्र अगले सप्ताह समाप्त होने के बाद भाजपा चुनावी रणनीति में जुट जाएंगे। भाजपा इस तैयारी में है कि मंत्रियों और विधायकों को अधिकांश समय दौरों के जरिए विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए कहा जाए। वे सरकार की उपलब्धियों को बताकर नकारात्मक माहौल को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा लंबित रही घोषणाओं को पूरा करना भी सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।